कार्मिका मुरली सन जमाने भर में अली का जवाब हो न सका, जमाने भर में अली का जवाब हो न सका, कोई भी अपनी जगह कामयाब हो न सका। हुकूमतें तो बहुत की जमीन पर लोगों ने, हुकूमतें तो बहुत की जमीन पर लोगों ने, कसम खुदा की कोई बूतराब हो न सका। लाए कोई कहीं से किसी बरतरी की बात, लाए कोई कहीं से किसी बरतरी की बात, निकलेगी बात बात में मौला अली की बात। जन्नत भी है अली के फजाइल का मदरसा, जन्नत भी है अली के फजाइल का मदरसा, हर बाप पढ़ लिखी है दरे इल्म ही की बात। सलवात पढ़े, हर बाप पर लिखी है दरे इल्म ही की बात। मेरा नहीं ये कौल मोहम्मद है दोस्तों, मेरा नहीं ये कौल मोहम्मद है दोस्तों, हक बोलता मिलेगा जहां हो अली की बात। जिस कौम के अमीर, खासतौर पर देखें, जिस कौम के अमीर जनाबे अमीर हो, जिस कौम के अमीर जनाबे अमीर हो, क्या पूछते हो ऐसे की दरिया दिली की बात। सलवात पढ़िए, मौलाना तशरीफ ला चुके हैं, तारीख मुनासर चंद पर मरसी की जहमत है। दिन रह गए अलील हयाते अली के जब, खौफे खुदा में आपको तशवीश थी अजब, आई महे सयाम की 19वीं जो शब, आमाद मर्ग पर हुए शाहन शहे अरब, जाहिर था हाल सबको जहाँ के इमाम थे, हर एक से बतौरे नसीहत कलाम थे। उस रात को इबादत खालिक जो थी अखीर, देते थे तूल सजदों को शाहे फलक शरीर, मुस्तर थी रूह कल पथा सदमे कसीर, आंसू रवा थे दिल था सुए खालिके कदीर, हमदम समझ के बंदगिये कार साज को गोया विदा करते थे, राजो न्यास को शौके विसाल रब में, जो था कल्ब बेकरार उजरे से सहन खाना में, आते थे बार बार गर्दों को देख देख के, बचश्मे अश्क बार कहते थे देखे होती है कब सुबह आश्कार, जन्नत में अब मिलेंगे रसूले मजीद से, ये सुबह कम नहीं है हमें सुबह ईद से। सलवात पढ़िए, ये सुबह कम नहीं है हमें सुबह ईद से। ज़ैनब गई हुसैन के पास और ये कहा, चौको तो नींद से ये बहन हो गई फिदा, तन्हा चले है घर से शहनशाह ना पता, तुम साथ बाबा जान के जाओ पे खुदा, धड़का है दुश्मनों का दिले पुर मलाल को, और तन्हा न छोड़ना असदे जुल जलाल को, बहनों ने जब
उसैन व हसन को ये दी खबर, घबरा के जल्द आए पितर के करीब। पितर देखा के कर रहे हैं वजू, शाह बैरोबर बाबा से हाथ जोड़ के बोले, बचश्मे कर आफत में पास से, न टलेंगे हुजूर से मस्जिद में साथ, हम भी चलेंगे हुजूर के। बोले गले लगा के शहंशाह सरफराज, बेटा न इसमें दखल दो, ये है खुदा का राज, मेरा अदूल हुक्म नहीं है तुम्हें जवाब। बेटा तुम आज घर में पढ़ो सुबह की नमाज, साबिर रहो अगर चे दिलों को न कर पड़े, और डर है कहीं न हुक्म खुदा में खलल पड़े। मजबूर हो के रह गए घर में वो नौ निहाल, और खाने खुदा में गए। शेर जुलजलाल सबको उठाया ख्वाब से बाशफ़क़ते कमाल, कातिल को फिर जगा के ये बोला वो खुशकसाल, गफलत न चाहिए के दरे सुबह बाद है, चल उठ के पढ़ नमाज के वक्ते नमाज है। ये कह के जा नमाज पर आए शहे अनाम, फरमाई शद्द मस्यदा बासद एहतराम। जिस दम अदा के बाद अकामत हुई तमाम, नियत अजब खुलूस से करने लगे इमाम। तकबीर जब कही असद हक ने शान से, सल्ले अला की आई सदा आसमान से। थे इस तरफ तो मैं वे इबादत इमाम दीन, और घाट में खड़ा था उधर कातिले नहीं। सजदे में जब गया वो मददगार मोमिनीन, बालाए फर्क के पाक चली, ज़र्ब तेग की ना हक हुआ ये जुल्म इमाम हिजाज पर। और बहने लगा नमाजी का हूँ जा नमाज पर, तड़पा जो फर्श खाक पाप वो मजदर उलूम, उठी फलक से कत कुतल मुर्तजा की धूम। अरबाब शाह दौड़े घरों से अलूम, दम में मयान मस्जिद कूफा हुआ हुजूम। कहते थे सब कि हाय बड़ा कहर हो गया, अरे जल्दी करो तलाश के कातिल किधर गया। कूचों में तहलका था तरा तुम सजा बजा, अहले मेरा थे चाक गरे बाबर न पाप, आती थी बार बार ये जिन्नात की सदा। है शकी ने फख्र सुलेमा का खून किया, हर सिमत शोर नालो फरियाद दुआ था, और फौजे मलक में मातम शेरे था, फौजे मलक में मातम शेरे था। الفاتحه
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي عليه الصلاة والسلام فزت برب الكعبة صلوات حضرات گرامی قط بزرگ ملت دوستان عزیز یہ سہ روزہ مجالس انجمن عباسیہ کی جانب سے انشاءاللہ اعلان یہ ہے کہ کل کی مجلس کچھ اس سے پہلے وقت میں شروع ہوگی آج چونکہ شب کے اعمال تھے اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی لیکن کل کی مجلس ذرا جلدی شروع ہوگی اس کی وجہ یہ کہ ایک دوسری مجلس بھی اس کے بعد ہونا ہے آپ حضرات سے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی گزارش ایک صلوات حضرات گرامی قدر ان سہ روزہ مجالس میں خواہش یہ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے عصر رواں میں ہونے والے حالات کو تاریخ کے پیرائے میں آپ کو سمجھاتے ہوئے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ اس پرفتن دور میں ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں اس ماحول میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں ان حالات میں جہاں ہم جی رہے ہیں اس ملک عزیز میں جو امن کا گہوارہ ہے مگر چند فسادی لوگ اس امن کو پارا پارا کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں تو ایسے سازشوں کے ماحول میں شورشوں کے ماحول میں نفرتوں کے ماحول میں تعصب و تنگ نظری کے ماحول میں فتنہ و فساد کے ماحول میں ظلم و جبر کے ماحول میں دہشت و وحشت کے ماحول میں شیعان آل محمد کی ذمہ داری کیا ہے کیا وہ تعصب و تنگ نظری کا شکار ہو کر اپنے وظیفہ شرعی کو فراموش کر دے کیا وہ ظلم کی دہکتی ہوئی آگ کے سامنے بیٹھ کر تماشائی بنا رہے یا خود اس کی اپنی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں ان حالات سے لڑنے کے لیے ان حالات کو سمجھنے کے لیے ان حالات پر قابو پانے کے لیے کیا ان کی کوئی ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں پہلے ہمیں حالات سمجھنا ہوگا میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں تاریخ پڑھوں گا اور تاریخ کے آئینے میں
लफ्ज़ें मेरी होंगी, समझ आपकी होगी। ये आप भी जानते हैं कि न मैं खुल के पढ़ सकता हूँ, न खुल के कुछ कह सकता हूँ, न खुल के आप सुनना और समझना गवारा कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको तारीख बताऊं। पहले मरहले में मैं एक जुमले से बात का आगाज करूं। आज की शब शबे ज़रबत कहलाती है। शबे ज़रबत की एक तारीख है, यानी ज़रबत की तारीख नहीं, इस शबे ज़रबत की या सुबह ज़रबत की एक तारीख है, जिस तारीख को बनी उमैया ने अपनी साजिशों के साथ रचना शुरू किया। ये तवज्जो कीजिएगा, वो शख्सियत कि जिसकी विलादत खाने काबा में हुई, जिसके कदम कदम पर फजीलतों ने घेरा डाला, जिसके कदम कदम पर मनकबतों का उजाला जिसके सामने आया, जिसका हाथ मौजज़ा, इस हाथ में आने वाली जुल्फ़कार मौजज़ा, जिसकी निगाहें मौजज़ा, जिसका लुआब दहन मौजज़ा, जिसका पूरा वजूद मौजज़ा, जिसका चेहरा वजहुल्लाह कहलाए, जिसकी आँखें ऐनुल्लाह कहलाए, जिसका हाथ यदुल्लाह कहलाए, जिसका वजूद मुकम्मल तौर से नफ्सुल्लाह कहलाए, ऐसी शख्सियत का जितना इकराम होना चाहिए था, जितना एहतराम होना चाहिए था, जितनी इज्जत होनी चाहिए था, जितनी इसको वकार देना चाहिए था, क्या हकीकत में उम्मत ने वो वकार दिया? क्या हकीकत में उम्मत ने वो एहतराम किया? क्या हकीकत में उस शख्सियत को दुनिया ने पहचाना? मेरे अजीज़ों, उसको दुनिया ने नहीं पहचाना। आखिर क्या वजह है कि कायनात में दुनिया में अली को हकीकी मानों में पहचाना नहीं गया? याद रखिएगा, वली खुदा मोहब्बतों के आईने में पहचाना जाता है, नफरतों के समाज में नहीं पहचाना। वली खुदा मोहब्बतों के समाज में पहचाना जाता है, नफरतों के समाज में नहीं पहचाना जाता। तारीख जानती है, दुश्मन जानता है कि अगर अली से अदावत करनी है, क्योंकि अली की मोहब्बत जिंदा ज़मीरी का उन्वान है, अली की मोहब्बत फितरत सलीमा का ऐलान है, अली की मोहब्बत जहन के बेदार होने की अलामत है, अली की मोहब्बत फितरत के तकाज़ा हैं, लिहाजा हर शख्स अली से मोहब्बत करेगा, इसलिए कि कोई साहिब अक्ल ऐसा नहीं है जो साहिबे कमाल से मोहब्बत ना करे। हर साहिबे अक्ल साहिबे कमाल से मोहब्बत करता है। जब साहिबे कमाल से इंसान को मोहब्बत होती है, तो जिसमें सारे कमालात आके इकट्ठा हो गए हों, उससे कौन मोहब्बत नहीं करेगा? तो अली से दुनिया जानती है, दुश्मन ये जानता है कि अली से सब मोहब्बत करेंगे। अब कोशिश ये की जा रही है कि अली के खिलाफ प्रोपेगेंडा के फैलाया जाए, अली के खिलाफ नफरत का बाजार गर्म किया जाए। तारीख ने लिखा, हाकिम शाम बैठा हुआ है, सोच रहा है, अपने वजीर अमरियाज से कहता है, मैं सोच रहा हूं कि दुनिया में मेरे जाने के बाद मेरे बेटे यजीद की मोहब्बत दुनिया में पैदा होए, लोग यजीद से मोहब्बत करें, लोग यजीद के बाप से मोहब्बत करें, लोग बनी उमैया से मोहब्बत करें, तुम कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे लोग हमसे मोहब्बत करने लगे। तवज्जो कीजिएगा, तो कहने वाले ने यह कहा कि मोहब्बत को लोग आले मोहम्मद से करते हैं, आले उमैया से तो नहीं करते। तो कहा कोई ऐसी तरकीब, तवज्जो सुनिएगा, कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे लोग हमसे मोहब्बत करने लग जाए। कहा उसकी तरकीब यह है कि आले मोहम्मद की नफरत दिलों में पैदा कर लो। काश मेरा जुमला वाज़े हो जाए। आले मोहम्मद की नफरत दिलों में पैदा करो। जब तुम अली की नफरत दुनिया के दिल में पैदा कर दोगे, तब शायद तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे जैसे लोगों की मोहब्बत दुनिया के मिजाज में बैठ जाए। तो अब अली से नफरत कैसे कराई जाए? बहुत तवज्जो से सुनिएगा, अली से नफरत कैसे कराई जाए? क्या उसकी एक तरकीब है? क्या तरकीब क्या है? क्या सुनो मेरी बात, तरकीब यह, तवज्जो से सुनिएगा। मैंने कहा मैं तारीख के पैराए में आपको अल्फाज दूंगा, आपने खुद फैसला करना है कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, और अली वालों के साथ क्या हुआ है, और अली वालों को दुनिया के साथ क्या करना है। तवज्जो कीजिएगा, अली वालों के साथ दुनिया ने क्या किया है, और खुद अली वालों ने दुनिया के साथ क्या किया है। दुनिया ने अली वालों के साथ क्या किया है, यह भी अहम है, और अली वालों ने दुनिया के साथ क्या किया है, यह भी अहम है। तवज्जो कीजिएगा, दुनिया वालों ने इंतखाब किया अली वालों को सूली चढ़ाने का,
अली वाले ने उस दरख्त को काट नहीं दिया जिस पर सूली चढ़ाना था, उसे पानी देना शुरू कर दिया। मैं जो कहना चाहता हूँ महसूस करें, अली वालों की जिम्मेदारी क्या है और दुश्मनों की जिम्मेदारी क्या है। अमरयास कहता है हाकिम शाम से कि अगर तुम चाहते हो कि लोगों में यजीद की और तुम्हारे बेटे की मोहब्बत पैदा हो, तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो, तो तुम्हें चाहिए कि आने वाली नस्ल में अपनी मोहब्बत पैदा करो और अली से नाउज़ुबिल्लाह नफ़रत पैदा कर लो। जब लोग अली से नफरत पैदा करने लग जाएंगे तब लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे और तुम्हारी हुकूमत को इस्तेहकाम अता होगा। क्या वो कैसे? क्या देखो जो बूढ़े हैं वो तो लबे गौर हो चुके हैं, जा रहे हैं, जो जवान हैं उन्हें तुम्हें समझाने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं चूँकि ये भी चंद मरहले के बाद ज़ईफ़ी के मरहले में कदम रख देंगे। काम जो करना है वो आने वाली नस्लों पर काम करना है। देखिए गौर कीजिए, बनी उमैया की साजिशें आप महसूस कीजिए, इसलिए कि जब तक आप बनी उमैया की साजिशें महसूस नहीं करेंगे इस दौर के बनी उमैया के चेहरों को नहीं पहचानेंगे। इस वक्त बनी उमैया के चेहरे को पहचानना जरूरी है। कसम खुदा की अगर आले मोहम्मद के चाहने वालों ने शुरू से ही बनी उमैया के चेहरे पहचानवा दिए होते तो आज लोगों ने बनी उमैया सिफत लोगों के तलवे न चाटे होते। तो कहीं ना कहीं हमें उन चेहरों को पहचानने की जरूरत है, उन लोगों को पहचानने की जरूरत है कि जो बनी उमैया के किरदार में इस वक्त ढले हुए हैं, वो खा अपने हों या पराए, फिक्री लिहाज से जो बनी उमैया के नक्श कदम पर हैं उनके चेहरों को हमें पहचानना जरूरी है। अमरयाज कहता है आने वाली नस्लों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा करो और अली के लिए नफरत पैदा करो। कहा अच्छा ये काम कैसे होगा? कहा इसकी तरकीब मैं बताता हूँ। कहा बताओ। अब तवज्जो से सुनिएगा तारीख के जिन लफ्ज़ों को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो कहता है ऐसा करो पूरे शाम में जितने घर हैं उनकी फहरिस्त बनाओ, जिन जिन घरों में जितने छोटे बच्चे हैं उनका इनकी फहरिस्त बनाओ, उनके नाम लिखो। छोटे बच्चों की फहरिस्त तैयार की गई, पता चला एक घर में तीन हैं, एक घर में दो हैं, एक घर में पाँच हैं, एक घर में ऐसे बच्चे मुहैया की गए। कहा अब जब तैयार हो गई लिस्ट तो कहा आप इतने ही बकरी के बच्चे मुहैया करो। उतने ही बकरी के बच्चे मुहैया किए गए। उसने कहा तू पागल हो गया है, पहले बच्चे काउंट करवा रहा है फिर बकरी के बच्चे मंगवा रहा है। देखिए सियासत के कारनामों में आम आदमी को पता नहीं चलता कि सियासत कौन सी साजिशें रच रही है। जिन्हें वो छोटा सा काम दिखाई दे रहा है उसके पस मंजर में कितने बड़े बड़े गुल खिलाने की अपेक्षा और उम्मीदें उन्होंने की हैं ये समझना ज़रूरी है। उसने कहा ये बच्चों की फहरिस्त बनाने का, ये बकरी के बच्चों को देने का क्या मतलब है? देखिए बहुत आसान होता है कोई भी लिस्ट बने आप बनवा देते हैं, किसी भी तरीके का राशन मिले आप लेने को तैयार हो जाते हैं, कोई ये नहीं पूछता कि राशन क्यों दिया जा रहा है। आज मेरा जुमला वाज़े हो जाता, एक लफ्ज़ कहूँ शायद बात आसानी से पहुँच जाए। इलेक्शन का ज़माना था, एक नेता जी उस इलाके में वोट मांगने के लिए गए। अब लोगों को नोट देते रहे वोट मांगते रहे। एक आदमी उस समाज में अकलमंद था, ज़ाहिर है इस ज़माने में तो शायद एक भी नज़र नहीं आ रहा है कि उस समाज में कोई अकलमंद भी होगा। एक आदमी अकलमंद था, उसने कहा हुजूरे वाला मैं पैसों का क्या करूँगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, आप ऐसा कीजिए ये जो हज़ार हज़ार रुपये आप सबको बांट रहे हैं एक वोट के लिए, ये हज़ार रुपया मुझे न देकर मेरे लिए एक गधा खरीद के दे दीजिए, मुझे एक बाजार से गधा खरीद के दे दीजिए, मैं उस गधे को इस्तेमाल में लाऊंगा और अपना काम चलाता रहूंगा। अब जाहिर है नेता जी बड़े व्यापारी बड़े काम करने वाले, उन्हें क्या पता कि गधा कितने का मिलता है। वो गए और मैंने यही कहा था मैं लफ्ज़ें पढ़ूंगा, अब आपके ऊपर है जहाँ तक आप ले चलेंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अपने कारिंदों को भेजा कि जाओ इसे एक गधा ला के दे दो। वो एक हज़ार रुपये ले के पूरे बाजार में घूम गए, उन्हें कोई गधा ना मिला। जहाँ भी पूछा गधे की कीमत 4-5 हज़ार से कम नहीं थी। अब वो घूम फिर के आए नेताजी के पास और आने के बाद ये कहा कि हुजूर कोई गधा 1,000 में नहीं मिल रहा है।
एक हजार में कोई गधा नहीं मिल रहा है। वो उस आदमी के पास गए और आके कहा कि भैया ऐसा है, हम तो सबको एक एक हजार रुपए दे रहे हैं, तुम भी एक हजार ले लो, हम तुम्हें गधा खरीद के नहीं दे सकते। उसने बर्जस्ता ये कहा कि हुजूरे वाला इतना तो सोचिए, जब एक हजार में एक गधा नहीं मिलता, आप एक हजार में एक बंदा खरीदने आए हैं। अब एक हजार में एक बंदा खरीदने आए हैं, इसका मतलब यह है कि बिकने वाले अपनी कीमत बता रहे हैं, खरीदने वाले अपने मेयार से खरीद रहे हैं। अब ये अहले अक्ल की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कीमत को किस कीमत में नीलाम करने लग जाए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। और मैं समझता हूं कि ये एक हजार भी शायद ज्यादा था, वरना खरीदने के लिए तो एक पौआ भी काफी था। काश मेरा जुमला वादे हो जाए। एक शराब की एक बोतल भी काफी थी जिनको खरीद लिया गया। और जाहिर है कि जिनकी हैसियत एक शराब की बोतल से भी कम हो, उस समाज में आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि इल्म का बोलबाला होगा, तरक्कियां आपके दामन में आ जाएंगी, आप परवान चढ़ जाएंगे। मेरे अजीजों, जहां इंसान शराब के वजूद में अपने वजूद को ढाल के बेच रहा हो, और याद रखिएगा, जिसको जिस चीज की जरूरत होती है उसी एतबार से उस चीज की कीमत भी लगाई जाती है, और उसी एतबार से उन चीजों पर कर और टैक्स भी लगाया जाता है। बुरा ना मानिएगा, हकीकत यह है कि तालीम को महंगा करना जरूरी है, इसलिए कि तालीम से शऊर बेदार होता है। शराब को सस्ता करना जरूरी है, इसलिए कि शराब से शऊर बहकने लगता है। जिसको शऊर की जरूरत होती है वो तालीम पे तवज्जो देता है। जिसको लोगों की बेदारी नहीं बल्कि सोने की जरूरत होती है, आज मेरा जुमला वादे हो जाए, उन्हें उस हिसाब। और याद रखिएगा, जितने रिवायत के फिक्र हैं, जितने जराइम हैं, उन सब जराइम की जड़ अगर कहीं जाती है तो शराब। शराब जुर्म की कुंजी कही जाती है। कोई कत्ल आदमी कर ही नहीं सकता जब तक शराब के नशे में हो। कोई फितना आदमी फैला ही नहीं सकता जब तक शराब के नशे में हो। कोई बहुत बड़ी चोरी चकारी लूट मार कर ही नहीं सकता जब तक के इंसान शराब के नशे में ना हो। किसी का सड़क पे हादसा करके कत्ल कर ही नहीं सकता, प्रीप्लान कत्ल हो ही नहीं सकता जब तक कोई ड्राइवर को बोतल में ना उतारा जाए, जब तक समाज को बोतल में ना उतारा जाए, जब तक लोगों को अगर फसाद कराना हो तो अहले अक्ल से फसाद नहीं किया जाता, शराबियों से फसाद कराया जाता है। मेरे अजीजों, फितने का पहचानना जरूरी है, फसाद का जानना जरूरी है। अगर इस दौर में हमने फितने को नहीं पहचाना, इस दौर में अगर हमने फसाद को नहीं पहचाना, तो ये फसाद और फितने की लपटें कभी भी हमें अपने दामन में समेट सकती हैं। क्या कहा उसने, बकरी के बच्चे मंगाओ, इन बकरी के बच्चों को उन आदमियों के बच्चों पर तकसीम कर दो, और घर वालों को ये बताओ रात में दे कर आओ, सुबह हो तो ये बच्चे उनके हवाले करो, और सुबह सुबह जैसे ही तकसीम शुरू हो माँ बाप को ये बताओ और बच्चों के सामने ये बताओ कि ये बच्चे, बकरी के बच्चे, तुम्हें बच्चों से खेलने के लिए हाकिम शाम ने दिए हैं, ताकि बच्चे दिन भर बकरी के बच्चों से खेलते रहें तो उनके दिल में हाकिम शाम की मोहब्बत बढ़ती रहे। और जब शाम हो और बच्चे मगरिब के बाद सोना शुरू कर दें, तो शब की तारीकी जब फैलने लगे तो हुकूमत के डाकू जाएं और उन बच्चों को, बकरी के बच्चों को वापस उठा ले आएं, और माँ बाप की गर्दन पे तलवार रख के ये कहें कि जब सुबह उठ के बच्चे पूछें कि कल जिन बकरी के बच्चों से हम खेल रहे थे वो बच्चे कहाँ गए, तो कहना नाउज़ बिल्ला नक़ल कुफ्र कुफ्र नाबाशद, तो कहना अली उठा के ले गए। इस तरह अली से नफरत पैदा होगी, काश मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता, इस तरह अली से नफरत पैदा होगी और हुकूमत से मोहब्बत पैदा होगी। इसका मतलब ये है कि नफरत फैलाने के लिए भी कोई ना कोई तरीका हुआ करता है।
काश मेरा जुमला बातें हो जाए। नफरत फैलाने के कोई ना कोई तरीके हुआ करता है जिसमें समाज को फंसाया जाता है, जिनसे मोहब्बत करवानी होती है उनके कारनामे बताए जाते हैं, जिनसे नफरत करानी होती है उनकी कमजोरियां बताई जाती हैं। आज मेरा जुमला वादे हो जाए, उनकी कमजोरियां बताई जाती हैं, प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं, फिजाएं आबाद की जाती हैं। यही हुआ ना, ये बच्चे दिन भर बकरी के बच्चों से खेलते रहे, खिलौना किसने दिया कहा हाकिम ने, हाकिम से मोहब्बत पैदा हो गई, शाम को चुरा के कौन ले गया कहा विशेष समुदाय के अफराद। आए मेरा जुमला वाज़े हो जाता, क्या कहा हुकूमत ने, कह देना अली औलादे अली और उनके चाहने वाले उठा के ले गए, इससे क्या होगा कहा इससे ये होगा कि विशेष समुदाय के दिल की जब विशेष समुदाय के लिए इनके दिल में नफरत पैदा हो जाएगी। इसका मतलब ये कि दौलत के मनारे बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि अहले शऊर से नफरत पैदा की जाए। आज मेरा जुमला वाज़े हो जाए, ताकि अहले शऊर से नफरत पैदा की जाए। मगर ये करमे इलाही है, तवज्जो कीजिएगा, ये करमे इलाही है कसम खुदा की कि जिन मकरूह चेहरों को हुकूमत ने मेकअप करके सजाया था तकद्दुस का मेयार बना के, उन्हें तो आज दुनिया काबिले लानत समझती है, और जिन चेहरों की चमक पे खाक डाली गई थी आज वही चेहरे कायनात में चमकते दमकते नजर। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। इस तरह से नफरत पैदा की गई, नफरत का माहौल बनाया गया, इसलिए तारीख ने लिखा है, कभी फुर्सत हो तो तारीख में जाके पढ़िएगा, ये उन्मान भी तारीख में मिलता है, तारीख का अली पर सितम, तारीख़ ने अली पर क्या जुल्म किया है, तारीख़ ने अली पर क्या सितम किया है, यही वो सितम है जो तारीख़ में रकम है, जिस तरीके से अली और औलाद अली को नफरत का महवर बनाने की साजिशें रची गई, कोशिशें की गई, और यही वजह है कि कातिल जानता था, तवज्जो कीजिएगा, कातिल जानता था कि अगर अली को कत्ल करना है तो अली का कत्ल मस्जिद के अलावा कहीं नहीं हो सकता, इसलिए कि एक ही जगह होती है जहाँ अली के हाथ खुले नहीं होते बल्कि सजदे की हालत में होते हैं, यानी कातिल भी ये जानता है कि अली के हाथ खुले हों तो उन पे हमला नहीं हो सकता, इसलिए इंतखाब किया तो मस्जिद का इंतखाब किया, और ये कहा गया कि जब अली नमाज पढ़े तब हमला करना। अब तारीख कहती है कि अली के कत्ल का इल्ज़ाम भी हुकूमत पे ना आए, तवज्जो, अली कत्ल भी कर दिए जाए, हुकूमत शाम बदनाम भी ना हो, तो अब ये दूसरी साजिश रची गई, तवज्जो फरमाइएगा, दूसरी साजिश, मैंने कहा शबे ज़रबत है, तारीख़ ज़रबत आप मुलाहिज़ा कर लें, फिर मैं असल गुफ्तगू की तरफ जाता हूँ। कहा इस तरीके से अब एक साजिश रची गई कि अगर अली पर हमला हुआ और तन्हा अली पर हमला किया गया तो आसानी से बनी हाशिम भी समझ जाएंगे, पूरा आलम इस्लाम समझ जाएगा कि किसकी साजिश के नतीजे में हमला हुआ है। तब फिर क्या किया जाए, का तनहा अली पर हमला ना हो बल्कि एक साथ तीन जगह हमले हों, एक ही वक्त में तीन जगह हमले हों, एक हमला हो मिस्र में जहां अमरयास नमाज पढ़ा रहा है, एक हमला हो शाम में जहां हाकिम शाम नमाज पढ़ा रहा है, और एक हमला हो कूफे में जहां अली इब्ने अबी तालिब नमाज पढ़ा रहे हैं, तीनों जगह हमले हों मगर एक हमला कामयाब हो और दो हमले नाकाम हों, ताकि दुनिया अगर ये कहे कि हाकिम शाम ने हमला करवाया तो लोग पूछेंगे कि फिर हाकिम शाम पे किसने हमला करवाया। आज मेरा जुमला वाज़े हो जाए, फितनों को पहचानो, फसाद को पहचानो, साजिशों को तारीख के आईने में जानो, तो महसूस होगा कि फितने कैसे पनपते हैं, और जब ये मालूम हो जाए कि फितने कैसे पनपते हैं तो फिर जरूरत होगी कि फितनों से कैसे बचा जाए। हाकिम शाम ने तीन कातिल तैयार किए, तीन लोगों को तैयार किया, और ये कहा कि याद रखना दो अपने वो मोतमद रखे, दो अपने वो मोतमद रखे
कि जिनको पकड़ा जाए तो हुकूमत के कारिंदे हैं ये पता ना चले। आज मेरा जुमला वादे हो जाता, हुकूमत के कारिंदे हैं ये पता ना चले। अच्छा, उस वक्त तो मीडिया इतना हाई फाई टेक्नोलॉजी के साथ भी नहीं था कि कैमरे लगा के पता लगा जाता। हालांकि आज तो कैमरों की भी आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, तो जब हुकूमत चाहे उस दौर की तो क्या नहीं कर सकती। लिहाजा, और आप याद रखिएगा, तारीख के आईने में जुमला कह रहा हूं, जिसने मंसूबा बनाया उसे अपनों पर भी एतबार नहीं था, उसे अपनों पर एतबार नहीं था। वो उस दिन हाकिम शाम मस्जिद में नमाज पढ़ाने ही नहीं गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने तो इसे बाहर से तय किया है, किसी ने अंदर से तैयार कर लिया हो। साजिशें करने वाले तो ये जानता है ना कि साजिश किसे कहते हैं। हाकिम शाम नमाज पढ़ाने नहीं गया, हाकिम मिस्र को अलर्ट किया गया था कि तुम पर नमाज में हमला होगा। उसने कहा हो ना हो, भेजा हुआ तो उधर ही का है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी काम तमाम कर दिया जाए। आज मेरा जुमला वादे हो जाए। इसलिए उसने भी बड़ी एहतियात के साथ मेहराब तक तो गया, मगर कातिल को मस्जिद में जाने से पहले ही पकड़वा दिया। आज मेरा जुमला वादे हो जाता। एक नमाज पढ़ाने नहीं गया, एक गया मगर नमाज शुरू करने से पहले ही अपने सिपाहियों से कहा उसे पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो इस खेल खेल में हमारा खेला हो जाए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद राल। मैं तारीख पढ़ रहा हूं, मेरी मजबूरी है, आप मुलाहिदा फरमाइए। ऐसा ना हो कि खेल खेल में कोई खेला हो जाए, लिहाजा पहले ही से इसे पकड़वा दिया गया। तो इसी तरीके से नमाज पढ़ाने तो नहीं गए मगर कातिल को भेज दिया, उसे भी पकड़वा दिया। जब साजिशें खुद रचना हो तो फिर अपने नहीं कत्ल किए जाते, फिर साजिशों के साथ चलाया जाता है। मैं ये तारीख नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको तारीख की सूरत हाल दिखा रहा हूँ कि फितनों को पहचानने की ज़रूरत है। इसलिए कि फितने जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, देखिए लफ्ज़ फितना है क्या, फितना कहते किसे, फितने के असल माना है सोने को लोहे, सोने को आग में डालना और आग में डाल के उसे तपाना ताकि खरा और खोटा पहचाना जाए, इस आजमाइश का नाम है फितना। इस आजमाइश को कहते हैं फितना। यही आजमाइश अब जाके इम्तिहान की मंजिल में आती है, आजमाइश की मंजिल में आती है। तो राग़िब इस्फ़हानी ने इसी लफ्ज़ फितना की वजाहत करते हुए दंगे को भी फितना कहा है, फसाद को भी फितना कहा है, कत्ल गारतगिरी को भी फितना कहा है, सोजिशों और साजिशों के बाजार के गर्म हो जाने को भी फितना कहा है। तवज्जो कीजिएगा, तो फितना फैलता कब है, का नफरतें फैला कर फितना कराया जाता है। आज मेरा जुमला वादे हो जाए। नफरतें फैला कर फितना बरपा किया जाता है। फितने के लिए किया क्या जाता है, फितने के लिए दिरहमो दीनार के सिक्के नचाए जाते हैं, दौलत के दहाने खोले जाते हैं। यूं ही मौला ने नहीं फरमाया, इन्ना अखवफो मिन बादी अलैकुम फितना तो बनी उमैया, मेरे बाद तुम पर जो सबसे बड़ा फितना लागू होगा वो बनी उमैया का फितना है। इस फितने से बचना ज़रूरी है। अना फ़का तो आइनल फितना, मैंने जंगे जमलो सिफीनो नहरवान में फितने की आँख फोड़ दी है और मेरे अलावा कोई भी फितने की आँख फोड़ नहीं सकता है। इसलिए कि फितना देखने के लिए भी अली जैसे इंसान की आँखें चाहिए, अली जैसा बाबसीरत इमाम चाहिए जो फितने को भाप सके, फितने को देख सके। इसने के फितना एदा, जब फितना एदा अकबलत शब्बहत, जब फितना आता है तो मुश्तबाह कर देता है, वैजा अदबरत नब्बहत, मगर जब वो जाने लगता है तब मुतवज्जे करता है कि फितना आके चला गया है। मौला फरमाते हैं पैगंबर इस्लाम हजरत खत्मी मरतब रसूल इस्लाम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اذا البست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقران, کہ جب تم پر فتنے گھٹا ٹوپ راتوں کی طرح تم پر حملہ آور ہو جائیں, چاروں طرف سے تم فتنے کی آگ میں اپنے آپ کو محسوس کرو, فعلیکم بالقرآن, تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم قرآن سے تمسک کرو, اس لیے کہ قرآن شفا بھی ہے, قرآن شافع بھی ہے, قرآن مسائل کا حل دینے والا بھی ہے, قرآن کے اندر آنے والے زمانے کا علم بھی ہے, گزشتہ زمانے کا علم بھی ہے, اور حالات حاضرہ کی تصویریں بھی ہے. تم پر ضروری ہے کہ علم کی گرہ کھولو, قرآن کی طرف متوجہ ہو. مولا نہج البلاغہ میں فرما آتے ہیں, نحنو اہل البیت, ہم اہل بیت ہی تمہیں فتنے سے نجات دینے والے ہیں. شاید اسی لیے پیغمبر جاتے وقت فرما رہے تھے, انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی, تمہیں فساد سے بچانے کے لیے یا قرآن بچائے گا یا اہل بیت بچائیں گے. ایک صلوات پڑھنے محمد, تو تمہیں فتنوں سے اگر کوئی بچائے گا تو فتنوں کی آگ سے بچانے والی ذات تمہارے لیے آل محمد کی ہوگی, یا فتنوں سے بچانے کے لیے تمہارے پاس قرآن ہوگا. یہ شبیں قرآن کے نزول کی شبیں ہیں, یہ قرآن کی آمد کی شبیں ہیں, یہ راتیں مبارک راتیں ہیں, یہ مہینے مبارک مہینے, یہ دن مبارک دن ہیں, یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے. اس میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے, نومکم فیہ عبادہ, تمہارا سو جانا بھی, روزے دار کا روزے کی حالت میں سو جانا بھی عبادت ہے. وہ دعاؤکم فیہ مستجابہ, اور اس مہینے میں تمہارا دعا کرنا بھی مستجاب ہے. یعنی یہ وہ مبارک مہینہ ہے, یہ مہینہ جس میں قرآن کی تلاوت تم پر ہے. علیکم القرآن لکل شیء ربی و ربی القرآن شہر رمضان, ہر شے کی ایک بہار ہے, اور ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے. اگر اس فتنے کے دور میں ہمیں بچنا ہے تو ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا, قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی, اور خالی تلاوت ہی نہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہوگا. قرآن ہی ہمیں ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا, قرآن ہی ہمیں راہ دکھائے گا, قرآن ہی ہمیں اس گھٹا ٹوپ اندھیرے سے بچائے گا, یا قرآن بچائے گا یا آل محمد بچائیں گے. یہاں تنہا قرآن بچا سکتا ہے, نہ تنہا آل محمد بچائیں گے, بلکہ قرآن بھی بچائے گا, آل محمد بھی بچائیں گے. اگر کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کافی ہو جائے گا, تو قرآن کے بغیر, آل محمد کے بغیر نہ قرآن سمجھ میں آئے گا, نہ قرآن کے بغیر آل محمد سمجھ میں آئیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. لہذا معصوم نے متوجہ کیا ہے, اس فتنے کے دور میں جہاں چاروں طرف نفرتیں ہی نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں, میرے عزیزوں کیا کہا مولا نے, سب سے بدترین فتنہ, توجہ سے جملہ سنیے گا, تاریخ اسلام کا جملہ, تاریخی جملہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مولا نے خطبہ نمبر 93 میں نہج البلاغہ میں فرمایا, میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ تم پر بدترین فتنہ جو ہوگا بنی امیہ کا فتنہ ہوگا. کون ہوں گے بنی امیہ والے؟ کہا یہ ممبروں پہ ناچتے ہوئے وہ بندر ہوں گے جو فساد پھیلا رہے ہوں گے. ممبر کنایہ ہے کسی ایسے مقام پہ بیٹھ کر فتنے پھیلانے کا, نہیں توجہ کیا آپ نے؟ ممبر پہ بیٹھنا, ممبر کا مطلب ممبر رسول ہی نہیں ہے, ہر وہ جگہ جہاں سے پیغام پہنچایا جا سکے, ہر وہ جگہ جہاں سے پیغام عام کیا جا سکے. اس لیے جب آپ کے سامنے یہ حدیث پڑ جاتی ہے کہ ممبروں سے بنی امیہ کے بندر ناچیں گے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف مذہبی ممبروں سے ناچنے والے بندر ہیں. ارے میڈیا پہ بیٹھ کے ناچنے والے بندر بھی تو وہی بنی امیہ کے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ ان کی شکلیں دیکھیں, آپ ان کی حرکتیں دیکھیں, آپ ان کا انداز تکلم دیکھیں, آپ ان کی لفظیں دیکھیں. اچھے خاصے مناقشے کے لفظ کو دنگل کہا جاتا ہے. یہ دنگل کا لفظ بتا رہا ہے کہ کچھ جنگلی بیٹھیں گے اور اچھے سماج میں جنگل کو رائج کریں گے. یہ کیا مطلب ہے؟ آپ دو لوگوں کو بٹھا کے بات کریں, اس کا نام دنگل ہوتا ہے؟ یہ دنگل کا لفظ جنگل سے آیا ہے. پڑھے لکھے لوگ دنگل نہیں کرتے, یہ جنگلی لوگ دنگل کرتے ہیں.
ये नफरतें कौन फैला रहा है, ये विशेष समुदाय के खिलाफ जहर कौन उगल रहा है, बनी उमैया के बंदर मिंबर पर बैठ के किसके खिलाफ बोलते थे, ताकि मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए, ये 70 साल अली और औलादे अली को गालियां क्यों दी जा रही थी। लफ्ज बदलू तो आप तारीख के आईने में सब कुछ समझ सकते हैं, बनी उमैया 70 साल तक विशेष समुदाय के खिलाफ जहर उगल रहे थे कि नहीं, विशेष समुदाय के खिलाफ जहर उगल रहे थे कि नहीं, अली और औलादे अली के खिलाफ जहर उगल रहे थे कि नहीं। तो फितने की यही तस्वीर है कि जब लोग जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठकर जहर पाशानी करने लगे तो ऐसे हालात में वही काम कामयाबी दिलाएगा जो अली का था, यानी ऐसे हालात में खामोशी सुकूत, और खामोशी और सुकूत के साथ वो माहौल फराहम करना। लफ्ज बदलू आसानी से, 25 साल में अली ने तलवार नहीं उठाई, किरदार दिखाया, जमीने फतह नहीं की, जमीर फतह किए, जोग्राफियाई हिस्सों को समेट कर हुकूमत नहीं बनाई, परागंदा आयतों को समेट कर कुरान बनाया, कुरान पहुंचाया। इसका मतलब यह है कि जब फितनों का दौर आ जाए तो इन हालात से लड़ने के लिए, निपटने के लिए और इन हालात से बचने के लिए किरदार का संवारना जरूरी है, अखलाक का संवारना जरूरी है, इखलास का संवारना जरूरी है, ईमान का संवारना जरूरी है, इल्म की गिरों को खोलना जरूरी है। हालात की तेज रफ्तारी में मेरे अजीजों याद रखिएगा, जब इंसान पर पाबंदियां लगती हैं, मैं बहुत कीमती जुमला कहने जा रहा हूँ आपको, अहले इल्म और अहले शऊर और अज़ीमाबाद का अजीम मजमा है जो लफ्ज़ों की बारीकियों पर नज़र रखता है, और अदब के नशीत व बरखात, लफ्ज़ों के नशीत व बरखात से आप अदब के पैमाने को संभाल लेते हैं, समझ लेते हैं। इसलिए याद रखिएगा, ये जो हालात चल रहे हैं ना, ये दौर उम्मत मुस्लिमा के लिए टर्निंग पॉइंट है, ये जो दौर है उम्मत मुस्लिमा का ये टर्निंग पॉइंट है, ये जो चारों तरफ से दबाव है हमारे ऊपर, ये जो चारों तरफ से पाबंदियां हैं हमारे ऊपर, ये जो चारों तरफ से मसाइल का शिकार हैं, कहीं फितना है, कहीं फसाद है, कहीं कत्ल गारतगरी है, कहीं लाउड स्पीकर से हटाने की बात है, कहीं अजान बंद करने की बात है, कहीं मस्जिदों के दरवाजों को तोड़ने की बात है, कहीं मस्जिदों को बदनाम करने की बात है, ये जो सारे हालात आप देख रहे हैं, कभी हिजाब पे पाबंदी है, कभी दुकानें हटाई जा रही हैं, कभी मकान जलाए जा रहे हैं, कभी पूरे पूरे इलाके को बुलडोजर से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये जो हालात आपके सामने हैं ना, ये हालात उम्मत मुस्लिमा के लिए टर्निंग पॉइंट की हैसियत रखते हैं। अगर इन हालात के घोड़ों के सुमो के तले तुम रोन दिए गए तो जर्रा जर्रा होके खत्म हो जाओगे, और अगर इन हालात के दबाव से निकलकर तुमने अपना एक वजूद बचा लिया, अस्तित्व की लड़ाई में जीत गए, तो पाबंदियां तुम्हें बर्बाद नहीं करेंगी, पाबंदियां तुम्हें जीना सिखा देंगी, पाबंदियां तुम्हें जीना सिखा देंगी। याद रखिएगा, ईरान अगर ईरान बना है, ईरान आज अगर सुपर पावर कुव्वतों से आंखें मिलाने का काम कर रहा है, अगर ताकतों के सामने नजरें नहीं झुका रहा है, अगर कुव्वतों के तलवे नहीं चाट रहा है, अगर हुकूमतों से नहीं डर रहा है, इस निडरी का राज, इस बेखौफ खतर होने का राज यही है कि हम पर जितनी पाबंदियां दुनिया लगा सकती थी लगाई, मगर हम पाबंदियों के सुमो में पामाल तो किए गए मगर बर्बाद ना किए जा सके। हमने मुश्किलात में जीना सीख लिया तो अब दुश्मन हमारे सामने खड़े होने की सलाहियत नहीं रखता। ये टर्निंग पॉइंट है मेरे अजीज, ये दबाव, ये पाबंदियां, ये मसाइल, ये मशाकिल, अगर इन मशाकिल और मसाइल से अगर हम निकल गए, मगर हम निकलेंगे कैसे? लफ्जियात का घरौंदा बना के, रोजाना बैठ के बातें करके, चाय की होटलों पर चाय की चुस्कियां लेकर, मजलिस के बाद तवर्रुक की तकसीम पर खुश आमदीद कह के, अफ्तारियों की पार्टियां सजाकर, सहरी की पार्टी सजाकर, नहीं मेरे अजीजों, अगर हमें बेदार होना है तो फिर अंजुमनों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर हमें कुछ काम करना है तो अंजुमनों को सिमटना पड़ेगा। फर्द फर्दी काम नहीं कर सकता जब तक एक आदमी अपने वजूद में लश्कर ना बन जाए, जब तक टीम वर्क ना हो जाए,
मिलजुल के काम ना करने लग जाएं, अंजुमने सिमट जाएं, मस्जिद की सफ़े मुत्तहिद हो जाएं, हालात हाजरा पर नज़र करते हुए एक दूसरे से जुड़ जाएं। नबी ने फरमाया था उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म की कायनात के मानिंद है कि जिस्म के अगर एक हिस्से में दर्द होता है तो पूरे जिस्म में दर्द महसूस होने लगता है, दर्द आँख में होता है मगर मिजाज में इस्तराब पैदा हो जाता है, दिल में इस्तराब पैदा हो जाता है। ये दिल को तो कुछ नहीं हुआ है, हाथों को तो कुछ नहीं हुआ है, पैरों को तो कुछ नहीं हुआ है, दिमाग को तो कुछ नहीं हुआ है, दर्द तो आँख में है, पूरा जिस्म क्यों परेशान हो गया। कहा जब एक दूसरे से सारी चीजें मुर्तबित हो जाती हैं तो दर्द एक का होता है मगर एहसास दर्द पूरे वजूद में हो जाता है। उम्मते मुस्लिमा उसी जिस्म के मानिंद होनी चाहिए, चाहे किसी फिरके की पेशानी में दर्द हो, पूरी उम्मते मुस्लिमा को जिस्म में दर्द होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। उम्मतों को इकट्ठा करना पड़ेगा, अंजुमनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। मस्जिद की सफ़ें दो रकत खाली नमाज के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि शऊर की बेदारी के लिए होना चाहिए। रोज़ा भूखे रहने का नाम नहीं है बल्कि गुरसनगी के एहसास का नाम है। रोज़ा प्यासे रहने का नाम नहीं है बल्कि तशनगी के एहसास का नाम है। रोज़ा शहवतों पर कंट्रोल करने का नाम है, गैज़ो गज़ब पे कंट्रोल करने का नाम है, हलालो हराम देख के खाने का नाम रोज़ा है। रोज़े का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सुबह की अज़ान से खाना पीना छोड़ दो, मगरिब की अज़ान के बाद खाने पीने पे टूट पड़ो, ये रोज़ा नहीं है। कि सहरी से जो शुरू हुए थे मुंह बांध के तो दिन भर पड़े हुए, अब इंतज़ार है कि जब सूरज डूबे कब मौज़िन अज़ान कहे, और मौज़िन की अज़ान पे कान होता है और हाथ सीधे सीधे, और कभी कभी तो लोग इतनी जल्दी करते हैं कि अज़ान ये भी नहीं देखते कि मस्जिद के लाउड स्पीकर से हो रही है या मोबाइल से शुरू हो गई है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद राल। रोज़ा एहसास का नाम है, मैं जुमला आपसे कह रहा हूँ, तशनगी का एहसास रोज़ा है, गुरसनगी का एहसास रोज़ा है। जब ये एहसास हो जाए, तवज्जो, जब ये एहसास हो जाए कि हम भूखे हैं तो अब इस एहसास के साथ समाज तक ये एहसास मुंतकिल होना चाहिए कि हम भूखे हैं तो भूख होती क्या है, हम प्यासे हैं तो तशनगी होती क्या है। गैज़ आ रहा है मगर रोज़ा रोक रहा है, इसका मतलब है कि भूख में आपे से बाहर हो जाने का नाम रोज़ा नहीं है। आज मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता, गैस पे कंट्रोल करने का नाम बहादुरी है। नहीं तवज्जो कर रहे आप, गैज़ो गज़ब पे कंट्रोल करने का नाम, शऊर और बसीरत की आंखें खोलने का नाम, फितना फैलाने वाले किसी भी शक्ल में फितने को भेजें, अहले शऊर की जिम्मेदारी है कि हर फितने के मुंह न लगे। आज मेरा जुमला वादे हो जाए, शराब के नशे में शैतान आप तक आएगा, ओल फोल बकेगा, भूखे प्यासे हैं आप तो गैस दिलाएगा, गैस में आके फितने में पड़ जाना रोजा नहीं है, रोजे को बचा के फितने को ढकेल देना। फितने की भड़कती हुई आग को तेल डालने का नाम रोज़ा नहीं है, गैज़ो गज़ब पे कंट्रोल करने का नाम, शहवतों के रोकने का नाम। और याद रखिएगा, अगर मैंने दिन भर रोज़ा रखा और इस रोज़े के बाद मुझे तशनगी का एहसास हुआ मगर ये एहसास लाजिम रह गया मेरी ज़ात तक और इस एहसास को मैंने दूसरों तक नहीं पहुँचाया, क्या मतलब है दूसरों तक पहुँचाने का। लअल्लकुम तत्तकून, आलिम दीन बैठे हुए, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अललज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर रोज़ा ऐसे ही लिख दिया गया है जैसे तुम पर पहली वाली उम्मतों पर लिखा था। पहली बात तो ये कि ये रोज़ा तुम्हारे लिए नया नहीं है, ये हमने आजमाइश दूसरों पर भी रखी है। होता ना बाद लोग कहते हैं अच्छा हम ही सब काम करेंगे, पिछले वालों से तो कराया नहीं था, हम ही सारा काम। खुदा हमारी इस फितरत की तबीयत को जानता था, इस नेचर को, इस मिजाज को जानता था कि ये फौरन हर पे एतराज़ लेके खड़े हो जाएंगे, पिछले वालों पे तो भूखा प्यासा रखा नहीं, उन्हें तो खाली नमाजें पढ़वाई, हमसे नमाजें भी रोज़े भी। अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, उनसे भी रोज़ा रखवाया था, तुमसे भी रखवा रहे हैं, और तुम पर तो रहम की क्या है कि तुम्हारी जितनी जबान चलती है हमने चुप नहीं करवाई,
ورنہ ہم تو خاموشی کا روزہ بھی رکھوا چکے ہیں, اور خاموشی کا روزہ بھی قیامت کا روزہ تھا, وہ بھی مریم کے لیے. اگر مریم مرد ہوتی تو شاید شام تک خاموش رہ جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا. ایک عورت کا خاموش رہ جانا یہ قیامت سے کم مرحلہ تھوڑی ہے. عورت 3 دن بھوکی رہ سکتی ہے, 3 دن پیاسی رہ سکتی ہے, مگر 2 گھنٹہ بغیر بولے رہ جائے, آج میرا جملہ واضح ہو جائے, 4 گھنٹہ بغیر بولے رہ جائے, یہ قدرت نے لفظوں قدرت نے کڑی پریکشا لی تھی. جناب مریم کا یہ سخت امتحان تھا, اس لیے کہ معاملہ عیسیٰ کے ولادت کے بعد مریم کی عفت کا تھا. عفت بچائی ہی جاتی ہے زبان کو روک کے. اگر امت مسلمہ قرآنی پیغام کو سمجھ لے تو بیجا بولنے کا نام عفت نہیں ہے, خاموش رہ جانے کا نام عفت ہے. اگر واٹس ایپ پہ پڑھتی ہوئی گفتگو کا سلسلہ بند کر دیا جائے تو خاموشی نہ جانے کتنی عفتوں کو پروان چڑھا دے گی. ایک سلوات پڑھ دے محمد رال. میں کہہ رہا تھا روزہ احساس کا نام, بھوک کے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. بھوکے رہنے کے بعد بھوک کے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے اب سماج میں کوئی بھوکا نہ رہے. ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے. میں نے گرسنگی کو محسوس کیا تو تشنگی نے میرے وجود کو ہلا کے رکھ دیا. اب یہ ہلا ہوا وجود اس بات کا ادراک کر لے کہ اب میری دسترس میں اگر پانی ہے تو کوئی پیاسا نہ رہے. یہ ہے روزے کا احساس. اور جنہیں یہ احساس ہو جاتا ہے اگر ان سے گھاٹ چھین لیا جائے, آج میرا جملہ واضح ہو جائے, جیسے ہی پتا چلا حاکم شام کو کہ علی کا لشکر آ رہا ہے, کہ فرات پر پہرے بٹھا دو, تلوار سے پہلے ہی جنگ ہم پیاسے رکھ کر جیت لیں گے. علی نے صورتحال کو دیکھا, فرمایا جاؤ گھاٹ کو چھین لو اور پانی پہ قبضہ کر لو. فوج گئی, گھاٹ کو چھینا, پانی پہ قبضہ کیا, پانی پینے لگے. ادھر حاکم شام سے آ کے کسی نے کہا اب تو علی نے گھاٹ چھین لیا, اب جو تم نے رننیتی بنائی تھی وہ الٹی پڑ گئی. تم کہہ رہے تھے کہ وہ پیاس سے مر جائیں گے, اب تو ہمارے پیاس سے مرنے کی نوبت آ گئی. الفضل ما شہدت بہ الاعداء, فضیلت کی حقیقت یہ ہے کہ دشمن اپنے لبوں سے اعتراف کرتا ہوا نظر آئے. حاکم شام کہتا ہے پریشان نہ ہو, وہ علی ہے, علی کے مزاج میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تمہیں پیاسا مار دے. علی کے مزاج میں یہ نہیں ہے. حاکم شام نے کہا گھبراؤ مت, گھاٹ کھلے گا, پانی تمہیں ملے گا, اپنے لوگوں کو بھیجو, کہ بس اتنا انتظار کرو کہ علی اپنے مزاج میں لشکر کے مزاج کو ڈھال لے. آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. بس اتنا انتظار کر لو کہ علی اپنے لشکر والوں کو اپنا ہم مزاج بنا لے. اس لیے کہ علی تو پہرا چھوڑ دیں گے مگر وہ لشکر نہیں چھوڑے گا جو کوفے سے آیا ہے. اور یہی ہوا بھی, لشکر والوں نے قبضہ کر لیا اور آ کے علی سے کہا یا علی اب تو ہم نے قبضہ کر لیا ہے, اب ہم پانی نہیں دیں گے. مولا نے غیرت دلاتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جنگ تلوار سے جیتی جاتی ہے, تمہارے ہاتھوں میں تلوار ہے, تلوار کر کو خون پلانا, جنگ جیت لینا, فی الحال انسانیت کا کام کرو, پہرے چھوڑ دو, پانی پینے دو. مولا یہ پانی پینے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ کہ میں نے روزہ رکھا ہے, روزے میں تشنگی کو محسوس کیا ہے, اس درد کے احساس کو امت میں منتقل کر دوں. اب میری حکومت میں کوئی بھوکا رہ جائے تو روزے کا کیا مطلب, کوئی پیاسا رہ جائے تو روزے کا کیا مطلب, میری حکومت میں کسی کے سر پہ چھت نہ ہو تو حکومت کا کیا مطلب. میرے عزیزوں یہ احساس ہونا چاہیے, یہ علی کا کردار ہے. اسی لیے مسجد کوفہ میں آ کے فرمایا بتاؤ میری حکومت میں کوئی بھوکا رہا, میری حکومت میں کوئی پیاسا رہا,
मेरी हुकूमत में कोई बेघर के रहा, मेरे अजीज़ों रोज़ा एहसास का नाम है। जुमला कहना चाहता हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ गुफ्तगू। रोज़ा एहसास का नाम है, इस एहसास को बेदार रखिए। इसीलिए माह रमज़ान को मैं माह एहसास कहता हूँ। इस महीने का नाम माह एहसास है। इस महीने में हमें एहसास दिलाया जाता है। सुबह सवेरे उठकर हमें सुबह गाही का एहसास, सहर खेजी का एहसास, रात को इबादत करके इबादत का एहसास, सर को सजदे में रखवा के इंसान की इज्जत का एहसास। देखो तो सही, तुम पांच वक्त मुसल्ले पे बैठ के खुदा से मांगते हो, कहीं आबरू के जाने का एहसास होता है? मगर किसी के पास जाके दो तीन मर्तबा पैसे मांग लो, किसी के पास दो तीन जिंदगी में पांच मर्तबा मांग लो किसी से, तो गढ़ जाती हैं शराफतें, मर जाती हैं इज्जतें, नफ्स के नज़दीक आबरू चली जाती है। क्यों? किसी इंसान से पांच मर्तबा मांगते हो तो आबरू चली जाती है। अल्लाह की बारगाह में पांच वक्त की नमाजों में पांच बार मांगते हो तो आबरू नहीं जाती। का यही तो फ़र्क है कि अगर मोहताज से मांगोगे तो ना मिलेगा और आबरू जाएगी, मुतलक़े बेनियाज से मांगोगे तो चश्मे फैज़े करम भी जारी रहेगा, इज्जतें भी जारी रहेंगी, इज्जतें भी बाकी रहेंगी। सलावत पढ़ने मोहम्मद बस मेरे जो एहसास ज़रूरी है। रोज़ा रखिए मगर एहसास को बेदार रखिए। भूखे रहिए तो भूखों की एहसास, भूख का एहसास। अब अगर हमारे लिए ज़रूरी क्या था उम्मत मुस्लिमा को एक महीने कुदरत ने आजमाइश में मुब्तला किया था, तुम्हें भूखे रहना है, तुम्हें प्यासे रहना है, तुम्हें हवस से बचना है, तुम्हें गैज़ो गज़ब पे कंट्रोल करना है, तुम्हें ख्वाहिशात नफ्स पे कंट्रोल करना है, तुम्हें इबादत व इताअत में ज़िंदगी बसर करना है। होना तो ये चाहिए था कि एक महीने की इबादत के बाद, एक महीने के रोज़ा रखने के बाद 11 महीने तक समाज में कोई भूखा दिखाई ना देता, कोई प्यासा दिखाई ना देता, कोई ज़रूरतमंद दिखाई ना देता, किसी पर ज़ुल्म जबर ना होता। तब कहा जाता है लअल्लकुम तत्तकून, शायद कामयाब हो जाओ, का मतलब यही है। अगर एक महीने की इबादत के बाद 11 महीने समाज सही हो जाए तो यकीनन कामयाब हो, यकीनन मुत्तकी हो। लेकिन अगर यकीनी तौर से तुमने अपने वजूद को उस मंजिल पर नहीं डाला तो माफ़ कीजिएगा, लकुम तत्तकून के लफ्ज हैं, शायद मुत्तकी बन जाओ। जिनमें एहसास हो जाता है ना, उनकी इबादतें कबूल हो जाती हैं। मगर जिनसे ये एहसास मर जाए, जुमला सुनिए मैंने ख़त्म कर दी दुआ, जिनसे ये एहसास मर जाए ना, उन्हें आबिद भी कहा जाए, जाहिद भी कहा जाए, इबादत गुजार भी कहा जाए, मगर उनकी इबादतों का कोई हक नहीं होता, उनकी इबादतें काबिल कबूल नहीं होती। कातिलान हुसैन को कायमुल लैल कहा गया, रातों को इबादत करते थे, सायमुन नहार कहा गया, दिनों को रोज़े रखते थे, हाफिज़ान कुरान कहा गया, कुरान की हिफाजत करते थे, कारियान कुरान हाफिज़ान कुरान कहा गया, कुरान को रटे हुए याद किया था, कारियाने कुरान कहा जाता था, यानी कुरान की तिलावत करते थे। ये कारी भी थे, ये हाफिज भी थे, ये नमाजी भी थे, ये रोजेदार भी थे। मुझे बताओ अगर इन्होंने अरब के चिलचिलाते हुए माहौल में रोजा रखा था, तशनगी का एहसास किया था, तो फिर खैमों से उठने वाली अलतश की आवाजों ने इनके जमीर को झिझोड़ क्यों नहीं दिया, इनके वजूद को लर्जा बरंदाम क्यों नहीं होने दिया? इसका मतलब यह है भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है, भूखों की के दर्द का एहसास कर लेने का नाम रोजा है, तशनगी का नाम रोज़ा नहीं है। इस तशनगी के एहसास को दूसरों तक मुंतकिल करके दूसरों को आप तशनगी के मंजिल में कदम जन ना होना पड़े। अगर फौजे अशकिया में एहसास रहता तो 6 महीने का बच्चा लबों पे जबान न फेर रहा होता, उसे तीर से शोभा से सैराब न किया जाता। 6 महीने के बच्चे की जिस कौम को तशनगी का एहसास ना हो, क्या उस कौम को नमाजी कहेंगे? क्या उस कौम को रोज़ेदार कहेंगे? क्या उस
قوم کو مسلمان کہیں گے. کیا وہ مسلمان ہے, کیا وہ حکومت مسلمان ہے جس نے مسجد میں بھیج کے علی کا قتل کروا دیا؟ ہاں عزیزوں, یہ وہی شب ہے, یہ آج کی جو شب ہے نا, یہ شب جو گزر رہی ہے, یہ 18 رمضان کے غروب ہونے کے بعد جس شب کا آغاز ہوا ہے نا, اس شب میں علی جیسے بہادر کے دل میں ایک اضطرابی کیفیت ہے. تاریخ کہتی ہے امام حسین, تاریخ کہتی ہے مولا کائنات 15 رمضان کو شب میں امام حسن کے یہاں افطار پہ مدعو تھے, آپ نے وہاں دسترخوان امام حسن پر افطار کیا. 16 محرم کو جناب امام حسین کے دسترخوان پہ تھے, 17 رمضان کو جناب زینب کے دسترخوان پہ تھے, اور 18 رمضان کو آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کے دسترخوان پہ تھے. تاریخ کہتی ہے جب افطار کے وقت جناب ام کلثوم نے نمک بھی رکھا, دودھ بھی رکھا, روٹی بھی رکھی, علی نے فرمایا, اے بیٹی ام کلثوم, تیرے بابا نے کبھی زندگی میں دسترخوان نعمت پر اتنی نعمتیں ایک ساتھ تناول نہیں کی ہیں, ہم وقت کے امام ہیں, بیٹا ایسا کرو, یہ نمک اور دودھ ہٹا لو, میں روٹی سے افطار کر لوں گا, میں نمک اور دودھ میں سے ایک چیز اٹھا لو. جناب ام کلثوم فرماتی ہیں, میں نے چاہا کہ میں نمک اٹھا لوں اور دودھ رکھا رہنے دوں تاکہ علی پی لیں, میرے بابا نے عجیب جملہ کہا, اے بیٹی دودھ اٹھا لو, دودھ اٹھا لو, نمک رہنے دو, اس لیے کہ ابھی دودھ کا کام آنے والا ہے, ابھی دودھ کا کام پڑنے والا ہے. ام کلثوم فرماتی ہے, میں نہ سمجھی کہ بابا کس جانب اشارہ کر رہے تھے, مگر میں نے دیکھا میرے بابا نے افطار کیا, پھر مصلی عبادت پہ چلے گئے, رب کائنات کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے. تاریخ کہتی ہے, میں نے دیکھا نصف شب گزری تھی, جناب ام کلثوم نے دیکھا بابا بیت الشرف سے باہر نکلے, آسمان کی جانب دیکھا, آسمان کے ستاروں کی گردشیں دیکھی, چاند کو دیکھا, مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے, ہاں یہ وہی رات ہے جس رات کا میرے مالک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, ہاں یہ وہی رات ہے جس رات میں علی کی اس خالق سے ملاقات کی رات ہے. میں جناب ام کلثوم فرماتی ہے, میں دیکھ رہی تھی میرا بابا شب کی تاریکی میں آسمان پہ نظر کر کے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے, پھر ایک مرتبہ مصلی عبادت پہ آتے ہیں, اب علی کے پیروں میں کپکپی ہے, چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے, میں نے ہاتھوں کو جوڑا, نماز مکمل ہوئی, میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا, بابا اگر کائنات میں مجھ سے کوئی پوچھا جائے کہ علی سے بہادر کوئی ذات ہے تو بابا میں کہوں گی علی سے بہادر کوئی ذات نہیں, مرحب و انتر کے قاتل ہیں آپ, مرحب و انتر کو پچھاڑا ہے آپ نے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے نہیں ٹھہرتی, مگر میں دیکھ رہی ہوں آپ بار بار مصلی عبادت پہ آتے ہیں, تڑپ رہے ہیں, اضطرابی کیفیت ہے, بابا کیا بات ہے؟ جناب ام کلثوم سے متوجہ ہو کے امام نے فرمایا, یہ لقائے الہی کی رات ہے, تیرا بابا تیرے خدا سے ملنے والا ہے. اتنا سننا تھا جناب ام کلثوم تڑپ گئی. آزادارو اس رات کی تڑپ کا کیا عالم تھا, کوئی جناب ام کلثوم سے پوچھے, ارے جس کا بابا اپنے لبوں سے اپنی شہادت کا مژدہ سنا رہا ہو اس بیٹی کے جگر پہ کیا گزرے گی, مگر ام کلثوم کو معلوم ہے, ارے یہ رات تو وہ رات ہے جس میں ملاقات کی رات ہے, مگر مجھے تو ایک ایسی رات بھی کربلا میں گزارنی ہے کہ عاشور کی رات ہوگی تو میرے پاس سب ہوں گے, لیکن شام غریبہ جب آئے گی تو میرے پاس کوئی نہ ہوگا. میں کہوں گا بی بی ام کلثوم یہ رات ہے, اسے برداشت کر لے, اس لیے کہ تمہارے سامنے علی جیسا بابا ہے مگر اس رات میں زندہ ہے. ارے اس رات کا کیا ہوگا جب شام غریبہ کی رات ہوگی, علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگ چکا ہوگا, حسین کربلا میں شہید ہو چکے ہوں گے, اسیری ہوگی, یتیمی ہوگی, غربت ہوگی, بے کسی ہوگی, بے یار و مددگاری ہوگی,
देह भी बीस, अरे ये 19 रमजान है, ये 19 रमजान है जहां बाबा इस शब में शहादत की खबर दे रहे, मगर हाय शाम गरीबा, हाय शाम गरीबा, शहादतों का पैगाम लेके आ चुकी होगी करबला के तपते हुए रेगजार पर। हाँ आज़ादारो आखिरी फिक्र सुन लीजिए, मैंने गुफ्तगू तमाम कर ली। तारीख ने लिखा है जनाब मौलाए कायनात ने मुस्तहबी नमाजों को मुकम्मल किया, तारीख कहती है नमाज शब को मुकम्मल किया। नमाज शब मुकम्मल करने के बाद मेरा मौला घर से निकलना चाहता है, जैसे ही घर से निकलने का इरादा किया घर में पली हुई मुर्गाबियों ने दामन पकड़ लिया, दरवाजे की जंजीर में अली के अबा का दामन अटक गया। अरे दरवाजे की जंजीर कह रही थी या अली आज न जाइए, मुर्गाबियां तड़प के कह रही थी या अली आज न जाइए, मुर्गाबियों ने रोना शुरू किया, मुर्गाबियों ने नोहा शुरू किया, जंजीर दर ने दामन को थामा, अली ने जंजीर दर से अपने दामन को छुड़ाया, कहा मैं जान हूं तुम क्यों रोक रहे हो। एक मर्तबा मुर्गाबियों की तरफ मुतवज्जे हुए, अभी दाम अभी चाहते थे कि अली आगे बढ़े, उम्मे कुलसूम ने मंजर देख लिया, अली ने मुतवज्जे होकर एक जुमला इरशाद फरमाया, ए बेटी उम्मे कुलसूम, ये मखलूके खुदा है, ये भूखी रहेगी तो मांग ना सकेगी, ये प्यासी रहेगी तो कह ना सकेगी, खबरदार इन्हें भूखा न रखना, इन्हें प्यासा न रखना, अगर तुम्हारे पास दाना पानी देने के लिए ना हो तो इन्हें रिहा कर देना, अल्लाह की जमीन से अपने रिस्क का इंतजाम कर लेगी। ए बेटी उम्मे कुलसूम, कभी इन्हें भूखा और प्यासा ना रखना, यह है अली का रोजा, यह है अली की इबादत, यह है अली का एहसास रोजे में कि प्यासा हूं तो प्यास जानवर की भी महसूस करूं, भूखा रहा तो भूख जानवर की भी महसूस करूं। उम्मे कुलसूम बाबा की वसीयत है इन्हें भूखा न रखना, इन्हें प्यासा न रखना। अरे करबला के तपते हुए रेगदार पर जब बच्चों ने अला तश की सदाएं बुलंद की, जब 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे भूख की शिद्दत से प्यास की शिद्दत से निढाल होने लगे, अजब नहीं हाथों को जोड़कर नजब का रुख किया हो, ए बाबा, अरे उम्मे कुलसूम ने तो कभी जानवरों को प्यासा ना रखा, मगर हाय आपकी औलाद, अली असगर प्यासा, सकीना प्यासी, यतीमा ने आले मोहम्मद प्यासा। إن لله وإنا إليه راجعون لذنب قضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا الله كريم رب واسطة محمد وآل محمد مختصر سے عبادت کو قبول فرما بانیان عزا کی توفیقات میں اضافہ فرما کریم پروردگار جہاں جہاں شیعان آل محمد کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما کریم پروردگار اس ماہ احساس میں اہل ایمان کو تقویت عطا فرما کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اس بزم حسینی میں جو مومنین جو حاجت کرائے ہیں ان کی حاجتوں کو پوری فرما ان کی مرادوں کو پوری فرما ان کی دلی تمناؤں کو پوری فرما کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا انجمن کے تمام اراکین اور بانیان انجمن اور حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم جو بیمار اور شفا کاملہ عاجل عطا فرما کریم پروردگار اس پورا شعب دور میں ہماری حفاظت فرما کریم مالک ملک عزیز پر رحمت نازل فرما ملک عزیز کی اقتصاد پر رحمت نازل فرما ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما ملک عزیز میں فتنہ پیدا کرنے والے فتنہ گروں کو نیست و نابود فرما ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نیست و نابود فرما کریم پروردگار اور امتحان نہ لے یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار عوان
अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या फातिमा तज़हरा, अस्सलामु अलैका या हसन अल मुस्तफा, अस्सलामु अलैका या अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन वअला औलाद अल हुसैन वअला सहाब अल हुसैन वअला अंसार अल हुसैन वजमीअन शुहदा बिकरबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا مولانا الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك المنفون والمبعوث، السلام عليك يا مغيث الشتاء الظوارف يوم الجزاء، السلام عليك يا ابو الحسن والابن موسى ورحمه الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب الدهر والزمان، السلام عليك يا خليفه الرحمن، السلام عليك يا شريك القران، السلام عليك يا امام الانس والجان، السلام عليك يا امام الضمان انا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ورحمه الله وبركاته الله الله كنت مع امام صاحب الله وقت میں نے لگا ہوں کہ لگا کر کے میں आप तमाम पावन के वक्त के